चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज डायरेक्टेड माय ब्रदर पेंटेड दैट पिक्चर, मेरे भाई ने वो पिक्चर पेंट की थी. तो इसमें क्या लिखा है, पैसिव वॉइस में करना है, ये एक्टिव वॉइस में दिया है. कैसे बचाने हैं एक्टिव वॉइस में है कि पैसिव वॉइस बाय नहीं लगा है, बी वाई बाय नहीं लगा है तो समझ जाइए एक्टिव वॉइस में है, बाय लगा है तो पैसिव वॉइस में. ठीक है, अब पैसिव वॉइस में करने के लिए पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढते हैं. सब्जेक्ट किसकी बात हो रही है, किसने पेंट की पिक्चर, मेरे भाई ने, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, वो भी सेकेंड फॉर्म है. अब आप कैसे बताने कि सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, अगर इससे पहले हैज़, हैव, हैड या विल हैव लगा होता, ये चार चीज़ों में से एक चीज़ होती तो ये थर्ड फॉर्म मानी जाती, क्योंकि बहुत सी सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती हैं. थर्ड फॉर्म ऐसे पहचानते हैं उससे पहले हैज़, हैव, हैड या विल हैव इन चारों में से एक चीज़ लगी हो तो समझ जाइए थर्ड फॉर्म है. ठीक है, दैट पिक्चर ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया. आपको पैसिव वॉइस में करने के लिए, एक्टिव से पैसिव में करने के लिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट पहले लिखना होता है. दैट पिक्चर, अगर दैट की जगह द भी लिखा होता तो भी मतलब सेम रहता. दैट पिक्चर, देखिए ऑब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट माई ब्रदर, ये लास्ट में आएगा माई ब्रदर. ठीक है, याद रखिएगा ऑब्जेक्ट से जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे उससे पहले बाय लगता है. ठीक है, ओके. अब आपका मेन फोकस यहाँ पे होना चाहिए. वर्ब की सेकेंड फॉर्म का रूल क्या होता है, जब एक्टिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है सिंपल पास्ट होता है तो पैसिव में क्या करते हैं, या तो वॉज लगाते हैं या वर्ब, और वर्ब फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय, है ना. बाय हम लगा चुके हैं, इनमें से एक काम करना है. अब ये वॉज या वर्ब जब लगेगा, वॉज कब लगेगा, जब ये सब्जेक्ट सिंगुलर होता है. पिक्चर सिंगुलर है, दैट पिक्चर. ठीक है, तो सिंगुलर है तो इसलिए वॉज लगेगा, दैट पिक्चर वॉज. वर्ब की थर्ड फॉर्म पेंटेड की थर्ड फॉर्म पेंटेड ही रहेगी, पेंट फर्स्ट फॉर्म होती है, और बाय लगा दिया सब्जेक्ट हो गया. ओके, अगला सेंटेंस है जॉनी शॉट अ बर्ड, इसको पैसिव वॉइस में करना है. शूट फर्स्ट फॉर्म होती है, शॉट सेकेंड फॉर्म होती है, यानी कि ये पास्ट में दिया वही सेम रूल लगेगा. कैसे होगा, किसने मारा, जॉनी ने, ये सब्जेक्ट हो गया. किसको मारा, बर्ड को, ये ऑब्जेक्ट हो गया. बीच में ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सबसे पहले अब बर्ड इधर आएगा, अ बर्ड, है ना. जॉनी लास्ट में जाएगा और जॉनी से पहले क्या लगेगा, बाय, है ना. वर्ब की सेकेंड फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, हमेशा वॉज या वर्ब में से एक चीज़. अब बर्ड सिंगलर है तो वॉज लगेगा, सिंगलर के साथ वॉज लगता है. बर्ड्स होता है, यहाँ पे एयर नहीं लगा होता, बर्ड्स होता तो यहाँ वर लगता, डब्ल्यू ई आर ई, वर, वेयर नहीं पड़ते हैं. ठीक है, अब बर्ड वॉज, शॉर्ट की थर्ड फॉर्म शॉर्ट ही रहेगी, बाई जॉनी. ठीक है, अब इसमें देखिए ये जो अगला सेंटेंस है इसका, द कप वॉज वन बाई आर टीम, ये एक्टिव वॉइस में करना है, क्योंकि देखिए बाई लगाए तो समझ जाइए पैसिव वॉइस है. कप हमारी टीम के द्वारा जीता गया, इसको एक्टिव वॉइस में करना है. कैसे करेंगे, सबसे पहले द कप ये सब्जेक्ट है, आवर टीम ये ऑब्जेक्ट है, वाज वन ये वर्ब है. ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, वो वर्ब. सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस में भी करने के लिए जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बनाएंगे, आवर टीम पहले आएगा. ठीक है, जो सब्जेक्ट है वो लास्ट में जाएगा, द कप. ठीक है, ये क्लियर होगी बात. जब हम एक्टिव वॉइस में करेंगे, ठीक, तो ये बाय कटेगा, पैसे में दिया है बाय लगा है तो बाय कटना है, 100% कटना है. और उल्टा करना है, वॉज लिखा है तो वॉज भी हटना है, वॉज लिखा है तो वॉज के पहले जाएंगे हम सेकेंड फॉर्म में. ये देखिए, जब वर्ब के सेकेंड फॉर्म में तो वॉज या वर्ब हुआ था, वॉज वर्ब दिया है तो इसकी जगह वर्ब के सेकेंड फॉर्म वापस आएंगे. ठीक है, क्लियर होगी बात. क्या कटेगा, बाय तो 100% कटेगा, वॉज वर है तो अगर आईएनजी नहीं लगी तो वॉज कटेगा. ठीक है, और वॉज कटा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, विन की सेकेंड फॉर्म वॉन ही होती, वॉन ही लिखा ही था तो आवर टीम वॉन द कप, बस हो गया. हमने इसको इतनी दूर लिख दिया, आवर टीम वॉन द कप. ओके, अगर यहाँ पे होता द कप वॉज बींग वन बाई आर टीम, अगर ये होता तो वॉज भी कटता, सॉरी तब जो है अगर बींग लगा होता यहाँ पे, बींग भी लगा होता, द कप वॉज बींग वन बाई आर टीम, तो इस केस में वॉज ना कटता, बींग कटता, द कप. अब इस केस में चलिए, हमने यहाँ सेंटेंस लिख दिया और यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दिया, आवर टीम की जगह मी कर दिया, ताकि आपको पता रहे मी का जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो आई बन जाएगा. एक बात ये याद हुई, द कप 100% लास्ट में जाना है, ये भी आपको याद रहा. ठीक, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, जब मी से इधर आएंगे तो आई बनेगा. इतनी जो बात हो गई उसको बॉक्स में कर दिए, उसको नहीं छूना है. बाई 100% कटना है, ये भी बात हो गई, क्लियर हो गई अब, है ना. अब देखिए बहुत ध्यान से, बींग में आईएनजी लगा है, बींग में आईएनजी लगा है, तो याद रखिएगा जो आप वर्ब लगाएंगे उसमें आईएनजी लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म उसकी लिखेंगे.
बींग हट जाएगा, बींग हट जाएगा, ये कुर्बानी देके इसकी आईएनजी इसमें लग जाएगी जब एक्टिव में कर रहे हैं, ठीक है। तो वॉन का क्या होगा, विनिंग, वॉन को विन करा, विन की फर्स्ट, फिर उसमें आईएनजी लगाएंगे तो डबल एन आईएनजी, ठीक है। अब देखिए बाय कट गया है, वॉन का विनिंग हो गया, अब वॉज लगा तो वॉज लगा रहेगा, आई के साथ तो इत्तेफाक से वॉज ही लगता है, ही शी इट होता तो भी वॉज लगता, यू वी दे होगा तो यहाँ पर वर हो जाता, ठीक है। वॉज वर लगा है तो वॉज वर लगा रहेगा, इस केस में देखिए वॉज वर था, वॉज कट गया था, क्यों, आगे आईएनजी नहीं था ना, आगे आईएनजी नहीं था, वर्ब की थर्ड फॉर्म थी। ऐसे वाइज में जब वॉज वर लगाओ, आईएनजी लगाओ, बीइंग लगाओ, बीइंग वाला आईएनजी, तब उस केस में वॉज लिखा रहेगा, इज एम आर होगा तो भी इज एम आर लिखा रहेगा, ठीक है, क्लियर हो रही बात। बीइंग का आईएनजी यहाँ से कट के इसके वर्ब में आ जाएगा, लेकिन वॉनिंग नहीं होता, विनिंग होता है, ठीक है। तो आई वॉज विनिंग द कप, मैं कप जीत रहा था, कप मेरे द्वारा जीता जा रहा था, यहाँ पे द कप वॉज वन बाई आर टीम, मैं हमारी टीम द्वारा कप जीता गया, तो हमारी टीम ने कप जीता, इसका ये पैसे बस, ठीक है, क्लियर हो गई बात। अच्छा एक हम दे रहे हैं, करिए, अब जैसे आई एम ईटिंग फूड है, इसका आप पैसिव बनाइए, जो इसका पैसिव बन जाए फिर वापस इसका एक्टिव बना के देखिए, यही बन रहा है, ये कमेंट है, कमेंट में आंसर बताइए, ठीक है। उसके बाद ये पूरी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन करने हैं, जो करेगा सारे कमेंट में आंसर, तो वही पढ़ रहा है समझ लीजिए ग्रामर एक्चुअल में, ठीक है, सारे देख लीजिए क्या लिखे हैं, स्क्रीनशॉट ले लिए, बिल्कुल सारे बच्चों को करना है और सारे करना है, ठीक है, ये भी और ये भी पॉज कर लिए, देख लिए, ओके।